हाथ पेटा कोई खाते क्या बोलो बाद में ऑफिसर के सामने आने के बाद पैसे दे दिया बैठो जी तो बच्चे हुआ पैसे दे दिया मेरा नाम जीनत बेगम है, मैं सरूनागढ़ से हूँ। मोहम्मद अब्दुल जहीर की वाइफ हूँ। उनको है सो पुलिस वाले टॉर्चर कर रहे, 25 लाख रुपए है सो के लूटे बोल के। वैसा कोई नहीं लूटे, 25 लाख रुपए लूटते तो आज हम लोग ऐसे नहीं रहते थे। हम लोग एक महीने से परेशान इधर उधर फिर रहे, एक महीने के बाद हम लोग इधर आ गए। इससे पहले सरूनागर में 307 केस कर दिए थे मेरे शौहर, मेरी बच्ची को ना हक के उठा के लेके जाके पीएस में बिठाए। मेरी बच्ची को हार्ट आ गया, उसका इंतकाल हो गया। वो डर से आज मैं को मेरे बच्चों को उठा के लेके जाते बोल के बोल रहे, उन नहीं मिला तो उसकी बीवी होना उसके बच्चे होना बोल के बोल रहे। वो बच्चे दूसरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँ, मेरा सहारा कोई नहीं है, सिर्फ बच्चे दो ही है मेरे को, दो ही बेटे है। मैं शोहर को वही 25 लाख रुपए मॉडली करे या कुछ लूटे बोल के बोल रहे, उन्होंने 25 लाख नहीं लूट सकते, उसमें 25 लाख नहीं है कुछ ऐसा कुछ बोल रहे उन्होंने मेरे को, वो मेरे को नहीं मालूम। पुलिस वाले करे हुए ये काम करे हुए है बोल के बोले उन्होंने, लेकिन 25 लाख रुपए नहीं थे। वो कोई दोस्तों के बीच में गए जाके करे, 5 लाख रुपए थे उसमें बोल के बोले। और हम लोगों को पुलिस टॉर्चर कर रही थी, हम लोग तो पुलिस वालों को नहीं दिखे। पुलिस वाले हमारे भाई को डेली बुला के पीएस में बिठा के भेज दे रहे, तो हमारे भाई से मालूम हुआ कि हम लोग को बुलाते धमकाते, हम लोगों को कुछ टॉर्चर करे तो हमारे शौहर आते बोल के। पहले एक बच्ची को हम लोग खो दिए, अब दोबारा बार ऐसा नहीं होना चाह रहे हम लोग। पहले के कैसा है इनके पर? हाँ है, पहले के कैसा? कितने कैसा थे इनके पहले के? 4-5 कैसा है, जेल को गए थे? हाँ गए थे जेल को, इनकी रॉडी शीटर है, रॉडी शीट, हाँ रॉडी शीट ओपन है। कौन से पुलिस से बुला रहे हैं? ये राजेंद्र नगर पीएस से बुला रहे हैं। रॉडी शीट कौन से पीएस में? यहाँ पे सरूनागढ़ से है, पहले लंगर हाउस से थी, अब हम लोग सरूनगर में रहते हैं, सरूनगर में हम लोगों की सीट। और आप लोग यहाँ पर आने की वजह क्या है? हम लोग सरूनगर में रहते तो हम लोगों को टॉर्चर हो रहा था, पुलिस वाले टॉर्चर कर रहे, मेरे को मेरे बच्चों को उठाते बोल रहे, इसका बच्चा बड़ा हो गया इसके बच्चे को उठाते बोल रहे, बच्चा 15 साल का है, पहले 11 साल की बच्ची को खो दिए। आप दोबारा बार ऐसा नहीं करना चाह रहे, बस मेरे को और मेरे बच्चों को बीच में नहीं लाना। ये केस के जड़ तक हमारे शोहर अब अरेस्ट होना चाह रहे, हम लोग हाँ समझाए, आपके वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही बोल के। छोटे छोटे बच्चे बरसात के मौसम में, मेरे को अस्थमा है, मैं पानी में नहीं फिर सकती हूँ, परेशान नहीं हो सकती, मेरे आँखा नहीं दिखते, आँखों का ऑपरेशन है मेरा। अब आप शोहर को अब करना है सिलेंडर। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? मोहम्मद अब्दुल जहीर। इससे यही गुजारिश है कि मेरे शोहर जो करे ना उनको उसके बारे में जानकारी करे, जो है वही सज़ा दे इनको। और दूसरा ऐसा ये वो 25 लाख वो ये वो उसका सब आप मालूम करके, 25 लाख का जो एग्ज़ाम है वो झूठा हुआ है। हाँ 25 लाख का जो एग्ज़ाम है वो झूठा है, 25 लाख रुपए रहते तो हम लोग ऐसे नहीं रहते थे आज। आपके शहर के मसरूफियात क्या थे? उन्होंने ऐसा उनको ना एक दो तीन दोस्ता ना भटका दिए, दो दोस्ता इनके मिल के, इन्हों अच्छा खाते हम लोगों की ज़िंदगी में, हम लोग बहुत अच्छे थे, दो जने आके ना इनको चढ़ा दिए जिर्रे से, वो ब्लैक मनी है वो है ये है हुंडी का पैसा है ऐसा वैसा बोल के, इन्हों खाली पीली नहीं बैठ के पी ले के चले गए वो काम में। नहीं तो अभी तक इनका कोई ऐसा केस ही नहीं है ऐसा लूटम लाट का, वो ये जानकारी कर सकते। अभी जो अरेस्ट हो रहे हैं कौन से पीएस से अरेस्ट हो रहे हैं? बेगम पेट से अरेस्ट होना चाह रहे हैं। आप लोग खुद बुलाए? हाँ हम लोग खुद बुला के अरेस्ट करना चाह रहे हैं। कहीं को बोले तो हम बहुत फिरे, एक महीना फिरे, थक गए हम, छोटे छोटे बच्चों को लेकर किधर देंगे हम लोग। तो ये एक महीना जो चले गए थे अरेस्ट नहीं हुए, वजह अरेस्ट नहीं होने की एक महीना, पुलिस वाले है सो हम लोगों को घर पे आके बोल के गए कहते इन लोग कहाँ है बोल के, और इनकी बीवी इसकी बीवी को इसके बच्चों को उठाए तो इन आ जाता बोल के बोल रहे।
हाँ हम लोगों को उठाते बोल के गए आजू बाजू वाले है सो हम लोगों को बोले आपके शोर तैयार है सरेंडर होने। हाँ तैयार, उन्होंने तो तैयार नहीं थे लेकिन डर रहे थे पुलिस वाले ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो हम लोग समझा कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह पे भरोसा करो, चलो कभी भी होना ही है ना, हो जाएंगे बोल के। आप लोग अपनी मर्जी से सिलेंडर ले जाके करा दे रहे आप लोग? हम लोगों की मर्जी से सिलेंडर कराना चाह रहे हैं हम लोग, बस इतनी गुजारिश है जैसा हमारे शौहर जा रहे हैं वैसा उन्होंने वापस आ जाना, बस जो भी है मालूमात करके